काम देंगा। अच्छा जी। और ये इनका वो तो सवारी होती है। अच्छा जी ठीक है। ये भी छोटी सी दूध छीन लिया ना। अच्छा जी। ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दूध वगैरह चढ़ावा चढ़ाते हैं। अच्छा जी। और उनका ये एक और होता है, नाग होता है ना उनका। अच्छा जी। इसलिए भी रखते हैं। अच्छा। और फिर उसका मेन वेपन। अच्छा अच्छा। त्रिशूल। और मतलब ये हिंदू और बौद्ध जैसे तो ये हिंदू का पार्ट कैसे है, मतलब आप लोग भी अंदर जो है अवलोकितेश्वर उनको भी मानते दोनों दोनों को? अच्छा 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 अच्छा। जो सबसे बड़ा भरेगा ना तो वही फर्स्ट आएगा। भरो। आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति फर्स्ट आ गया भाई। आपने भरा ही नहीं। देखो आपका नाम क्या है? दिस्वित। रिश्वित लास्ट आ रहा है। देखो हवा नहीं भरा जा रहा। बाय बाय। परिक्रमा करने यहाँ से है रास्ता पीछे से यहाँ से करते हैं। अंदर का जो स्ट्रक्चर नहीं है बना हुआ जो, वो तो जैसे पांडवों के गुप्तवास के दौरान, जब वो गुप्तवास के दौरान मतलब जैसे उनको नहीं मिला था, 13 वर्ष का वनवास मिला था ना, और जिसमें 1 साल उनका गुप्तवास था महाभारत के काल का, वो समय का बना हुआ स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर जो हमारे पूर्वज रहते थे, यहाँ के जो राजा थे, मतलब यहाँ के जो जागीरदार थे, जिनका मतलब यहाँ से लेकर लगभग पांगी मुयार घाटी का पूरा इलाके का वो थे वो जागीरदार। फिर बीच में क्या घटना घटती है कि यहाँ के जो अगला गाँव नहीं, जो हिंसा गाँव, इसके साथ 1 किलोमीटर की दूर वहाँ से एक गडरिया गाँव के भेड़ बकरियों को लेकर जाता था शब्दधारा, जहाँ से त्रिलोकीनाथ जी प्रकट हुए हैं, वहाँ पर जाते थे। फिर क्या होता है बीच में, मतलब जो भेड़ बकरियों को दिन के समय जब वो गडरिया सो जाता था भेड़ बकरियों को छोड़ के, तो उसको दो लेते थे। फिर ये कई दिनों तक चलता रहा। फिर बीच में मतलब गांव वालों ने यहाँ के जो जागीरदार थे उनसे शिकायत की कि भाई गडरिया जो है हमारी भेड़ बकरियों को दिन के समय दो लेता है, जब हम इनसे पूछते कि भाई यार आप ऐसा क्यों कर रहे, तो गडरिया कहता जी मैं नींद होता हूँ जी, पन्नी कौन ऐसे बहाने बना रहा है।
फिर उनकी जब यहाँ पर वो लगते पेशी लगते तो उनको हिदायत दिया जाता सख्त कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो आपको सज़ा मिलेगी। फिर उस दिन वो डर के मारे दिन भर सो नहीं पाया और उस पत्र के पीछे छिपा रहा। फिर बोलते हैं कि भाई लगभग दिन के समय 7 मूर्तियाँ निकले बिल्कुल सफ़ेद दीवार में सफ़ेद गढ़वलिया और भेड़ बकरे को धोने लग गए। हाँ फिर गढ़वलिया बेचारा सीधा साधा था, उसका नाम था टिंडरू। हाँ उन्होंने सोचा कि भाई आज तो देखो चोर और उसके साथियों को तो मैं पकड़ ही लूँगा। जैसे वो अपना चादर लेके पकड़ने के लिए दौड़ा तो 6 बोलते हैं उसी समय मतलब लुप्त हो गए और एक को उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के ऐसे उठा के नीचे गाँव की तरफ चलने लगे। फिर त्रिलोकनाथ जी ने कहा कि भाई मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ऐसे ऐसे भगवान त्रिलोकनाथ हूँ, आप मुझे छोड़ दो, बदले में आप जो वरदान बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर टिंडरू ने सोचा कि भाई ये त्रिलोकनाथ मतलब ये जो है मतलब एक आम आदमी है, ये मेरे से छूटने के लिए मतलब बहाने ढूंढ रहा है। हाँ जी ऐसे ऐसे बहाने ढूंढ रहा है। फिर वो चलता रहा। फिर त्रिलोकनाथ जी ने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप अपनी जीत प्यारे हैं तो आपने इस तरह करना, जब तक मैं ना कहूँ मतलब आपने मुझे नीचे नहीं रखना कहीं भी, और जब तक मैं ना कहूँ आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर पीछे से मतलब काफ़ी आवाज़ें आ रही थी गाजे बाजे की। पहले तो डरा रहा कि भाई बंदे इसके कितने साथी आ गए। फिर अब जैसे वो एक टीले से जिसका नाम था राश, वहाँ से जैसे गांव दिखने लगा तब उन्होंने सोचा कि भाई यार देख लेते हैं कौन है, अगर ज़्यादा खतरा पैदा हो तो गांव वालों को आवाज़ मार। फिर जैसे ही मतलब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जो भी त्रिलोकनाथ जी के साथ चले थे वो सारे वहाँ पर शेर रूप में हो गए, पत्थर बन गए सारे। हाँ फिर उन्होंने गाँव की तरफ चिल्लाना शुरू किया कि भाई मैं चोर को पकड़ के लाया हूँ। फिर जैसे गाँव वालों ने देखा कि भाई जैसे गांव वाले उनके पास पहुंचे, देखा गया तो उस भगवान को लेके आ रहे नीचे आएगी। फिर उन्होंने उसी समय अपने घर से दूध दही धूप वगैरह लेके मतलब पूजा पाजा की और त्रिलोकनाथ जी का स्वागत किया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई वहाँ पर जैसे रखने का सोचा तो त्रिलोकनाथ जी मतलब बिल्कुल हल्के रहे। हाँ फिर उन्होंने यहाँ के जो जागीरदार थे, जो राजा थे, उनको मैसेज किया कि भाई टिंडरू जो है ऐसे ऐसे मतलब साक्षात भगवान को उठा के लेके आए। फिर यहाँ से भी जो राजा थे वो पूरे गाजे बाजे के साथ लोगों के साथ त्रिलोकनाथ जी को लेने के लिए रास्ते में गए। फिर वहाँ से लाए, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे बिठाया तो बोलते कि जैसे यहाँ पर रखा तो त्रिलोकनाथ जी धीरे 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 मतलब सेल हो गए मतलब। हाँ जी हाँ जी। और जो टिंडरू था, टिंडरू को भी उन्होंने वरदान दिया कि भाई टिंडरू जैसे आपने मतलब मुझे कंधे के ऊपर उठा के मतलब लोक जन कल्याण के लिए मतलब यहाँ तक लाया है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति इसके बाद आपको उठा के मेरी परिक्रमा करेगा तो उसको संतान सुख की प्राप्ति होगी। और आज भी ऐसे ही होता, अगर आज कोई सच्चे दिल से मतलब टिंडरू को उठा के मतलब भगवान त्रिलोकनाथ की परिक्रमा करेगा तो उनकी जो संतान की जो मनोकामना जरूर पूरा होती है, आज भी होता है वैसे। हाँ जी पर मतलब मन त्रिलोकनाथ जी और अवलोकितेश्वर एक ही चीज एक ही। अब जैसे मान लो हम जैसे मान लो दूध को पानो बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना, हिंदी में दूध बोलते हैं। जो आप बोल रहे थे उसको उठा के परिक्रमा करना होता है वो क्या? वो टिंडरू जो जिन्होंने त्रिलोकनाथ जी को उठा के लाया था उनकी मूर्ति है वो। हाँ जी हाँ, तो उनकी मूर्ति भी, उनकी मूर्ति बैक साइड में। अच्छा जी। अब ये कोरोना करके देखो घंटी घुंटी सारा बंद किया। Need to get what sweet? Swam papadi is enough? Swam papadi. Swam papadi and fruit. हाँ जी। Enough. ठीक है। Okay.